ब्लैक बोर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हाइड्राइड्स, और हाइड्राइड्स का पहला पार्ट समाप्त करके यह इसके दूसरे पार्ट में बताया जाएगा। इसका एक और पार्ट है, तीसरा पार्ट भी है। तो इसके पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे आप टेलीग्राम को विजिट कर सकते हैं। आज है, देखिए, इसके पहले था आयोनिक हाइड्राइड्स और आज है कोवेलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड्स, सहसंयोजी या आण्विक हाइड्राइड्स। करा डाइहाइड्रोजन फॉर्म्स मोलिकुलर कंपाउंड्स विथ मोस्ट ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, H2 यानी कि डाइहाइड्रोजन पी ब्लॉक के तत्वों के साथ आण्विक यौगिक बनाता है, जिसे हम लोग कोवेलेंट या मोलिकुलर हाइड्राइड कहते हैं। इसे बनाने की कुछ विधि है F2+H2 2HF, N2+3H2 2NH3, O2+H2 H2O। इसको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बनाया जा सकता है, इस या सीधा संयोग कर लेता है, स्पष्ट इसको बोला जा सकता है। अभी अभी है जैसे Ca3P2+6H2O यह देता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉस्फीन PH3। यह जो दिख रहा है PH3, यह कोवेलेंट हाइड्राइड है। फिर देखिए SiCl4 लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से अभिक्रिया करके यह बना दिया है SiH4, यह भी मोलिकुलर हाइड्राइड है। इधर जो पहले तीन एग्जाम्पल दिए थे HF, NH3 और H2O, ये सभी कोवेलेंट या मोलिकुलर हाइड्राइड्स के एग्जाम्पल हैं। अब कह रहा है फॉर्मूला ऑफ कोवेलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड, माने मोलिकुलर हाइड्राइड या कोवेलेंट यानी कि सहसंयोजक हाइड्राइड के सूत्र क्या हैं, माने बनाने की, माने एक छोटी सी सूत्र है जिसके माध्यम से कुछ हाइड्राइड्स, माने एक सूत्र के माध्यम से याद रखा जा सके, उसके लिए है EHN या EH8-N, जहाँ E है एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक और N है नंबर ऑफ ग्रुप। कुछ एग्जांपल के रूप में दिया गया, जैसे PH और 8-5, 8 हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और -5 यह पाँचवें ग्रुप का है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यह हो जाएगा P और 8 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 3, तो PH3। ठीक इसी प्रकार से C और इसका हो जाएगा 8-4, तो यह बच जाएगा 4। तो यह जो 4 दिख रहा है, यह वास्तव में कार्बन का यह 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और CH4 यहाँ पर। फिर कह रहा है द सिंपलेस्ट हाइड्राइड्स ऑफ BnGaR, मैंने बोरोन और गैलियम के साधारण या सरलतम हाइड्राइड कौन कौन हैं। तो बोरोन का जो सिंपलेस्ट हाइड्राइड है वह B2H6 है, डाइब्रोन इसको पढ़ते हैं, और गैलियम का G2H6, इसको डाई गैलेन कहते हैं। इसका हिंदी यह है बी, माने बोरोन और गैलियम का साधारण हाइड्राइड या सरलतम हाइड्राइड B2H6, जिसको डाइब्रोन, और Ga2H6, जिसको हम लोग डाई गैलेन कहते हैं। नेम ऑफ दिज हाइड्राइड यानी कि कोवेलेंट हाइड्राइड इंड विथ, माने समाप्त होते हैं सफिक्स ENE, माने इन हाइड्राइड्स के नाम का अंत प्रत्यय ENE के साथ समाप्त हो जाता है, यानी कि N के साथ समाप्त हो जाता है। जैसे PH3, इसका वास्तव में नाम होना चाहिए फॉस्फिन, लेकिन हम लोग पढ़ते हैं इसको फॉस्फिन, साधारण नेम है, कॉमन नेम है। ठीक इसी प्रकार H2O को ऑक्सीडेन, जिसको हम लोग वाटर के रूप में जानते हैं, और NH3 के एजेन, जिसको हम लोग अमोनिया के रूप में जानते हैं। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट और मोलिकुलर हाइड्राइड्स, माने मोलिकुलर हाइड्राइड्स या आण्विक हाइड्राइड्स या कोवेलेंट या सहसंयोजक हाइड्राइड्स का वर्गीकरण, और यह पहला वर्गीकरण है उसकी संरचना के आधार पर। कह रहा है
डिस्क्रीट मोलिकुलर यूनिट हाइड्राइड, इसके आधार पर जैसे NH3, CH4, PH3, ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। और कॉम्प्लेक्स पॉलीमेरिक हाइड्राइड जैसे AlH3 और BeH2X, जहाँ X है लार्ज नंबर, काफ़ी संख्या। अब इसको समझने के लिए जैसे NH3 है तो NH3 पॉलीमराइज स्ट्रक्चर नहीं दिखाएगा, मैंने NH3 बस एक बार बन गया वह हो गया। और यह जो AlH3 है यह इसके बाद एक और, इसके बाद एक और, इसके बाद मैंने पॉलीमर जैसा, इसलिए पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर है, जहाँ एक्स काफ़ी संख्या वाला है, एक्स लार्ज नंबर है। अब है ऑन द बेसिस ऑफ लेविस स्ट्रक्चर, लेविस संरचना के आधार पर कर है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्ट्रक्चर हाइड्राइड, या इसको इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड भी बोलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज और उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, ये तीन प्रकार के होते हैं, जिसका हिंदी इलेक्ट्रॉन कमी हाइड्राइड्स, उसके बाद चाहे अल्पता इलेक्ट्रॉन वाले हाइड्राइड्स, उसके बाद इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध वाले हाइड्राइड्स और इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड्स। इन तीनों का एग्जाम्पल अलग अलग हम देखेंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हाइड्राइड हैव टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स फॉर राइटिंग लेविस स्ट्रक्चर सच एज जैसे B2H6, इट एक्स एट लेविस, इट एक्स एज लेविस एसिड एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, मैंने कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन कमी वाले हाइड्राइड्स की संरचना लिखते समय इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जैसे B2H6। थोड़ा इसका संरचना टॉप है, जो आगे पढ़ना है डाइब्रोन का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर केवल इस बात से संतुष्टि ले लीजिए कि B2H6 में स्ट्रक्चर जब लिखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और यह एसिड जैसा कार्य करता है, ये अम्ल की तरह कार्य करता है और इलेक्ट्रॉन ग्राही मैंने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। अब कर रहा है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड्स, मैंने इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध वाले जैसे CH4, गिन लीजिए, देखिए सबके बाहरी कक्षा में दो दो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए और कार्बन के लिए 8। यह कह रहा है कि CH4 हैज़ ए न्यूट्रल pH अराउंड 7, मैंने CH4 का pH उदासीन होता है लगभग 7। उसके बाद कह रहा है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स दिज हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन, मैंने इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाते हैं, कब, जब इसका संरचना हम लोग लिखते हैं तब। तो सीधा इसको एक बार पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स दिज हैव एक्सेस इलेक्ट्रॉन इन स्ट्रक्चर, इसके संरचना में इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। जैसे NH3 का हम लोग जब अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है यह एक्सेस है, यह H2O में भी दिख रहा है 2 गो लोन पेयर, यह भी एक्सेस है। और फिर FH में हम लोग देखें तो इसके पास लोन पेयर दिख रहा है ना 3 गो हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आप लोग समझ सकते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है लोन पेयर के रूप में। और कह रहा है कि इस प्रकार का एग्जाम्पल आप वर्ग 15 से 17 तक देख सकते हैं। अब तीनों को एक बार थोड़ा फिर से हम लोग देखें, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या ग्रुप पी ब्लॉक के 13 ग्रुप के एलिमेंट दिखाते हैं बाल गंगाधर तिलक वाले जब हम लोग याद करते हैं उसमें। और फिर जो यह इलेक्ट्रॉन प्रेशर यह 14 वाले ग्रुप, कैसी गीत सुनोगे प्यारे वाले ग्रुप में हो जाएगा। और यह जो इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स हैं यह 15 से लेकर के 17 तक, यानी नापसंद ऐसे सब बिस्कुट सलमान सिल्फा त्रिप्रोसन वाला और यह फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इसमें यह अच्छा आप कह रहा है कि एक्ट्स एस लेविस बेस, यह भस्म की तरह कार्य करते हैं और इलेक्ट्रॉन डोनर इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। अब कह रहा है एक्सेप्शन जैसे प्योर वाटर H2O यह न्यूट्रल होता है। अब इसके बाद जब हम इसका प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि जैसे यह अमोनिया जो है यह भस्म की तरह कार्य करता है, H2O न्यूट्रल हो जाता है और यह एसिड की तरह कार्य करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी बेस की तरह कार्य करें। करेक्ट, ड्यू टू H बॉन्ड मेनी प्रॉपर्टीज आर चेंज, मैंने हाइड्रोजन बंधन के कारण बहुत सारा गुण चेंज हो जाता है, किसमें, जो हम लोग अभी देख रहे थे NH3, उसके बाद H2O, उसके बाद हम लोग देखे थे HF, ये सब। अब कर प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स के गुण, दीज हाइड्राइड्स आर सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ये हाइड्राइड्स ठोस द्रव और गैसीय अवस्था में रहते हैं।
जब ये ठोस अवस्था में रहते हैं तो इनका गलनांक और क्वथनांक निम्न होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। उसके बाद कह रहा है वोलेटाइल इन नेचर और ये अपने प्रकृति में वाष्पशील होते हैं। कंटेंस वंडरवाल फोर्स एंड एच बॉन्ड, ये दो प्रकार के बंधन रखते हैं, दो प्रकार के बल रखते हैं, वंडरवाल बल और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बंधन। कह रहा है कि कंटेंस वंडरवाल एंड एच बॉन्ड हो गया। उसके बाद कह रहा है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, माने ग्रुप 15 एलिमेंट के साथ यह जो हाइड्राइड्स हैं, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, इनका अगर हम लोग अस्थायित्व देखें तो अस्थायित्व का क्रम यही हो जाएगा, NH3 का सबसे ज़्यादा और BiH3 का सबसे कम। एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि pH 5 इज नॉट फॉर्म, वाई, मैंने pH 5 का निर्माण नहीं होता है क्यों, इसका जवाब आप लोग ढूंढें क्या हो रहा है। उसके बाद कह रहा है इन इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स में कुछ जो गुण है, जैसे अभी भी बता रहे थे कि NH3 बेसिक होता है, H2O न्यूट्रल होता है और HF एसिडिक होता है। थैंक यू।